गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट एनिमल किंगडम। एज वी नो द एनिमल किंगडम इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि हेटरोट्रॉपिक मोड वाले न्यूट्रिशन वाले होते हैं, उनको हम एनिमल किंगडम में इंक्लूड करते हैं। सो फार अप्रॉक्सीमेटली 12 लैक ऑफ एनिमल स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट दिस इज नॉट द लास्ट फिगर एज न्यू स्पीसीज आर स्टिल बींग एक्सप्लोर्ड टाइम टू टाइम एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग। 12 लाख से ऊपर एनिमल्स अभी तक खोजे जा चुके हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा चुका है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है, यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। टाइम टू टाइम और ज़्यादा हमको एनिमल के स्पीसीज़ साइंटिस्ट के द्वारा जो खोज करता है उनके द्वारा खोजे जाएंगे, है ना। तो दिस एनिमल शो कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड बॉडी फंक्शन। द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी रेंज फ्राम सिंप्लेक्स पोरिफेरांस टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैमल्स लाइक मैन। ये इवोल्यूशन के क्रम में अगर हम देखें तो एनिमल किंगडम में सिंपलेस्ट फॉर्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआंस, अमीबा, पैरामेसियम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। एंड द अदर हैंड ह्यूज एनिमल एंड वेरी डेवलप्ड एनिमल लाइक ब्लू वेल एंड ह्यूमन बींग्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ। एंड द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, इट इज जनरल एनिमल डेफिनेशन। एज एनिमल आर हेटरोट्रॉपिक, दे नेवर सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे मूव इन सर्च ऑफ देयर फूड। ये एनिमल्स का एक खास ये करेक्टर है कि उनमें लोकोमोशन पाया जाता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं, यानी कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए वो फूड के रिक्वायरमेंट के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट करते हैं। And they never synthesize their own food. They move in search of their food. Some animals cause the food to move to them by creating water currents. कुछ animals तो ऐसे होते हैं जो पानी में रहने वाले, वो water currents के through ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं इनमें movement के लिए। Certain sessile animals adopt the second method and remain fixed at a place for their entire life. है ना, कुछ एनिमल जो है वो अपने लाइफ में एक जगह से दूसरे जगह जो है फूड के रिक्वायरमेंट के लिए पूरा स्पेस ही प्लेस चेंज कर देते हैं। दे आर नोन एज सेडेंट्री एनिमल्स। द मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर नोन एज मेटाजोआंस। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटाजोआंस। जैसे यूनिसेलुलर जो एनिमल्स हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआंस, और मल्टी सेलुलर एनिमल्स को हम कहते हैं मेटाजोआंस। मेटा मीन्स एक से ज़्यादा और जोआंस मीन्स सेल। ऑल द सेल ऑफ देयर बॉडी इज नॉट परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़, पर इनके बॉडी में जो सभी सेल हैं वो एक साथ ही पूरे लाइफ टाइम में एक्टिविटी इनमें नहीं होती है। इनमें बॉडी का कुछ पार्ट, सेल का कुछ पार्ट कभी और कुछ पार्ट कभी मूवमेंट करता है, ये एक्टिव रहता है। एंड दिस बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन को करते हैं लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एक्सेट्रा। दिस करेक्टरिस्टिक्स ग्रेजुअली गिव राइज टू कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। द सेलुलर डिफ्रेंसिएशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज फिजियोलॉजिकल डिविजन ऑफ लेबर।
तो इनके बॉडी का जो सेल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्टिव होते हैं। इसे ही कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर। अगर हम जनरल करेक्टर्स एनिमल्स का देखें तो जैसे कि अभी हमने बताया कि एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉपिक यानी खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते और दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। इनका सेल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सेल वॉल नहीं होता है, अब्सेंट होता है। इनमें मोबिलिटी और लोकोमोशन पाया जाता है फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशंस का मतलब होता है ये बाहर से खाने को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है एंड एक्सक्रीशन होता है। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड इनमें बाहर के जो सेंस हैं उनको कैच करने के लिए, उनके रिस्पॉन्स करने के लिए सेंसरी ऑर्गन या नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, पाया जाता है ना। एंड रिप्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम एनिमल्स में होता है, ठीक है। और इनमें जो एक्स्ट्रा फूड है उसको रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। एंड जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो एक लिमिटेड टाइम तक होता है और पूरे बॉडी के पार्ट में लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं होता। ओके, देन वी विल लर्न डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स में देखें, इसके पहले हमने प्लांट किंगडम का स्टडी किया था एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम। तो दोनों में अगर डिफरेंट देखें तो सबसे पहले आता है शेप। एनिमल का शेप जो है वो डेफिनेट टाइप का होता है, डेफिनेट शेप होता है, और बाद में फिर में चूंकि ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ लिमिटेड होता है, इसलिए एक बार जो उनका बॉडी का शेप बन गया अब उसमें आकार प्रकार में आकार में चेंज होगा, इसका जो ऑर्गन्स है उसमें चेंजेस नहीं होते। एंड प्लांट का जो होता है ग्रोथ लाइफ टाइम इनडेफिनिट ग्रोथ इनमें होता है। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, है ना, ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर, ये सब जो है वो अनलिमिटेड ग्रोथ इनमें होता है। सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल अब्सेंट होता है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन इनमें हेटरोट्रॉपिक टाइप का होता है, दूसरे से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और इनमें ऑटोट्रॉपिक होता है, दे मैक देयर ओन फूड। एंड इनमें जो एक्स्ट्रा फूड है उसका रिजर्व जो होता है, स्टोरेज जो है वो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है यहाँ पर हमने, और इसमें जो है वो लिपिड्स के रूप में होता है। अब फूड का जो फॉर्म होता है ग्रहण करने का या अचीव करने का, ये एनिमल में लिक्विड लिक्विड और सॉलिड दोनों ही टाइप के फूड को ये अचीव कर सकते हैं, बट प्लांट में ये ओनली लिक्विड फॉर्म में ही इसको लिया जा सकता है, सॉलिड फॉर्म में ये फूड को नहीं ले पाते। एंड चूंकि ये फूड प्रिपेयर नहीं करते एनिमल, इसलिए इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और प्लांट जो है अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खुद ही प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनमें क्लोरोफिल होता है, प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन एनिमल का एक खास, है ना, स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह स्पेस को चेंज कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, मूवमेंट होता है पर लोकोमोशन नहीं होता। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के लिए वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जबकि इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं। ये वेजिटेटिव अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो प्लांट का कोई भी भाग जो है वो नया प्लांट बना सकता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए फ्लावर होता है, ठीक है। एंड लाइफ प्रोसेस, इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, फूड एक्सेट्रा प्रेजेंट टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ, बट इन प्लांट
स्पेसिफिक ऑर्गन आर अब्सेंट। ग्रोथ में हमने बताया, अभी देख रहे थे, पढ़े थे कि इनमें लिमिटेड टाइम तक होता है। ग्रोथ आकर इन अ टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट इन प्लांट ग्रोथ इज लिमिटेड इन फ्यू प्लेस ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि स्टेम का टिप और रूट का टिप में हमेशा ग्रोथ जो है वो होते ही रहता है। एंड एक्सक्रीशन स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, बट इन प्लांट इट इज अब्सेंट। एंड सेंसरी ऑर्गन इज प्रेजेंट, बाहर के जो सेंस है ना, हीट, कोल्ड, पेन, ये सबको फील करने के लिए एनिमल में सेंसरी ऑर्गन जो है वो नर्वस सिस्टम के रूप में प्रेजेंट होता है, बट इन प्लांट इट इज़ अब्सेंट। ये सेंस शो जरूर करते हैं, बट इनमें नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है। एंड अगर हम फूड स्टोरेज की बात करें, कि जैसे देख बताया था कि इसमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है और इसमें जो है वो स्टार्च के रूप में होता है प्लांट में। एंड एनर्जी जो है वो एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड एंड प्लांट ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन। अगर हम सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूस अब्सेंट होता है या स्मॉल होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूस जो है वो लार्ज होता है। एंड सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। लाइसोसोम एनिमल में जनरली प्रेजेंट होता है, बट इन प्लांट लाइसोसोम इज अब्सेंट। सो आज के लिए हमारा अब इतना ही। नेक्स्ट डे हम हैबिट्स के बारे में जानेंगे, एनिमल्स के हैबिट्स के बारे में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।